हेलो हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द न्यू क्लास, टू द न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 6। एंड स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज स्लोप। हम स्लोप को देखेंगे और कुछ बेसिक्स देखेंगे ग्राफ्स के, दैट इज एक्सटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो दीज टू टॉपिक्स, सॉरी, सो दीज टू टॉपिक्स आर न्यू फॉर यू, राइट? तो मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा, काफी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। और लास्ट क्लास में हमने बेटा किया था क्वेश्चंस ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप सो आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्विंग की होगी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में से, और आपको डाउट्स भी आए होंगे, तो यू कैन आस्क मी डाउट्स। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और बच्चे, स्टार्ट करने से पहले आज मैं आप सभी बच्चों को एक बात कहूंगा कि भैया, आपको अगर सक्सेस लेना है मेडिकल के एग्जाम के अंदर या नॉन मेडिकल के एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आपको एक रेगुलरिटी लेकर आनी है, अपने अंदर रेगुलरिटी लेकर आनी है। और वो रेगुलरिटी किस चीज की है? टाइम की रेगुलरिटी है। आपने अपने आप को समझाना है कि मेरे को किस टाइम पर कौन सी चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स आपको कुछ खेलना अच्छा लगता है, तो आपको अपना टाइम डिवाइड करना है कि भैया मैं इस टाइम पर ही खेलूंगा। या अगर आपको लेट से पढ़ना है, ठीक है, तो आपको एक टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को फिजिक्स किस पर्टिकुलर टाइम पर करनी है। मेरे पास दिन के अंदर 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटों में से मैंने अपना कौन सा टाइम फिजिक्स की पढ़ाई को लगाना है, कौन सा टाइम केमिस्ट्री की पढ़ाई को लगाना है, और कौन सा टाइम मैथमेटिक्स और बायो के टाइम को लगाना है, उस पर्टिकुलर चीज का बेटा आपको चार्ट बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा। और शेड्यूल ये नहीं होता कि यू हैव टू फिक्स टू विद दैट शेड्यूल। तो अगर बेटा आप अपने टाइम का 2 घंटे 3 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लगाओगे एक दिन के अंदर, आज के टाइम के अंदर, तो आने वाले दिनों में आपके लिए मेडिकल नॉन मेडिकल विल बी वेरी इजी सब्जेक्ट, राइट? तो यू हैव टू डेडिकेटेडली गिव द टाइम। तो अगर आप 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, फिजिक्स को 3 घंटे दे रहे हो, 3 सब्जेक्ट से तीनों को 3-3 घंटे दोगे, तो आपके 9 आवर्स की स्टडी होगी। तो इसको आप डिवाइड कर लो, सुबह के 3, दोपहर के 3 घंटे और शाम के 3 घंटे, और बीच में कंफर्टेबली अपना कभी कुछ थोड़ा आधे घंटे के लिए कोई गेम खेल ली, या कोई सीरियल आ रहा है आधे घंटे के लिए तो आपने वो देख लिया। डोंट स्टिक टू द थिंग्स, हैबिट मत बनाओ चीजों की, राइट? तो सबसे पहले बेटा, हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अपने लास्ट क्लास में जो हमने किया था, दैट इज अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो अब बेटा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, x है, हमने मान लिया। अब वो कहते हैं कि इस डिस्टेंस का आधा, तो आधा मतलब ये हो गया, यानी कि x by 2 गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उस 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने v1 बोल दिया। सिमिलरली नेक्स्ट वाला x by 2 डिस्टेंस जो किया उसका ने ट्रेवल किया, दैट इज द विद ऑफ स्पीड ऑफ v2। तो फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस x by 2 है और स्पीड v1 है, तो इसका टाइम कितना लगेगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, दैट इज t1। और t1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज x by 2 डिवाइडेड बाय v1। एंड सिमिलरली t2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x by 2 डिवाइडेड बाय v2। अब हमारे पास टाइम्स की वैल्यू आ गई है, डिस्टेंस हमारे को टोटल पता है, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो x by 2 प्लस x by 2 डिवाइडेड बाय
t1 plus t2, और उसके बाद मैथमेटिक्स है, आपने x by 2 को डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल लिया और ऊपर x by 2 ऐड करके x आ गया। अब ये मेरा x के साथ एक x कैंसिल हो जाएगा और नीचे मैंने यहां पर v1 v2 का एलसीएम ले लिया यहां पर, तो इट इज v2 plus v1 आ गया यहां पर, और ये वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म थी उसमें से 2v1 v2 ऊपर आ गया, तो ये टर्म आ गया आपके पास सरफेस स्क्वायर की। उसके बाद मैंने v1 और v2 की वैल्यूज पुट कर दी, दैट इज v1 की वैल्यू 40 और v2 की वैल्यू 60, तो सॉल्व करके 100 आ गया। कैलकुलेशन करके आपका आंसर कितना आ गया, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, अब बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, दैट इज स्लोप। अब ये जो सा स्लोप चीज है ये आप सभी बच्चों के लिए नया है, ठीक है? अब इसको आप ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपको स्लोप समझ में आ गया तो आपको ग्राफ्स जो अभी हमने आगे करने हैं तो ग्राफ में वो काफी हेल्प करेगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्लोप। तो स्लोप को बेटा अगर मैं अपनी देसी भाषा के अंदर बोलूं, पंजाबी के अंदर बोलूं, तो स्लोप कुछ भी नहीं होता, ढलान होती है। ढलान, ढलान समझते हो? फॉर एग्जाम्पल हम सभी का घर है, ठीक है? तो लेट्स से रोड इस लेवल पर है, दिस इज द रोड लेवल, और पक्की सी बात है अगर आप अपना घर बनाओगे, आप रोड लेवल पर तो घर नहीं बनाओगे, आप अपना घर थोड़ा सा ऊंचा बनाओगे, ठीक है? दिस इज द रोड, ठीक है? ये मैं ऐसे करके व्यू बना रहा हूं, दिस इज योर हाउस एंड दिस इज द रोड, ये रोड का लेवल है। और ये आपके हाउस का लेवल है, अब आपको पता है कि आपने अपने रोड से आप बाहर से अंदर आते हो या अपने गाड़ी को अंदर लेकर आना है, तो आप कभी भी गाड़ी को ऐसे ऐसे सीधा ऊपर छलांग मार के ऊपर नहीं गाड़ी आ सकती, है ना? तो आपको क्या बना बनाएगा, एक रैंप बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आपको रैंप बनाना है तो रैंप अब आपकी मर्जी है, कि डिपेंड करता है कि रोड कितनी चौड़ी है या कैसे है कि आप रैंप कैसे बना रहे हो। आप रैंप यहां से स्टार्ट तो करोगे, अब आप उसको एंड कहां पर कर रहे हो, आप रोड के यहां पर एंड कर रहे हो, यहां पर एंड कर रहे हो या यहां पर एंड कर रहे हो। तो लेट से पहले स्नैरियो के अंदर मैंने रैंप कुछ ऐसे करके बनाया, दिस इज वन नंबर एंड। सिमिलरली दूसरे बंदे ने जो रैंप बनाया उसके पास जो सी ऑप्शन है, उसने रैंप कैसे बनाया, उसने रैंप ऐसे करके बनाया, दिस इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ द रैंप। एंड सिमिलरली एक और बंदा भी रैंप बना सकता है, या लेट से उसने रैंप बनाया कुछ ऐसे, दिस इज द थर्ड नंबर ऑफ रैंप। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आपने इस रैंप के ऊपर चढ़ के जाना है या आपने स्कूटर को चढ़ाना है, इस रैंप से चढ़ाना है या थ्री रैंप से चढ़ाना है या नंबर वन रैंप से चढ़ाना है, तो किस रैंप पर आपको चढ़ना आसान होगा, किस रैंप के ऊपर जाना आसान होगा? अब आप बोलोगे सर रैंप वन में तो ज्यादा मुश्किल होगा, स्कूटर को अगर ऊपर लेके जाना है तो चढ़ाई एकदम से ज्यादा है, चढ़ाई एकदम से ज्यादा है, इसलिए सर रैंप वन पर मुश्किल होगा, रैंप टू पर उससे आसान होगा, रैंप थ्री पर उससे भी ज्यादा आसान होगा, ठीक है? तो अब अगर बेटा मैं यहां पर बात करूंगा तो स्लोप, स्लोप बेसिकली क्या होती है, ढलान। फॉर एग्जांपल आप चलो पहले इसी की बात करते हैं, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर मेरे को पता है कि ढलान किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की ढलान ज्यादा है, वो एकदम से नीचे जा रहा है, ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है और ये और ज्यादा टाइम ले रहा है, तो यहां पर स्लोप ऑफ वन इज मोर देन स्लोप ऑफ टू, एंड स्लोप ऑफ टू इज मोर देन स्लोप ऑफ थ्री। अब आपको लेट से कई बार समझ में नहीं आ रहा कि भैया स्लोप किस चीज की ज्यादा और किस चीज की कम है, तो इसको देखने का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं, और वो क्या है कि तो आप क्या करो, पुट
बॉल ऑन द रैम, इस रैम के ऊपर बॉल को रख दो, तो जिसमें बॉल जल्दी गिरेगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। और ये क्या चीज मैं लिख रहा हूं, दैट इज कि भैया अगर आपने तीन कर्व्स गिवन है, तीन चार पांच या कोई भी दो कर्व्स गिवन है, और उसमें से आपको देखना है कि हमें किसकी स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप ज्यादा देखने का सिर्फ एक ही तरीका है जो सबसे देसी जगाड़ है, कि आप इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, इसके ऊपर आप बॉल रखो। लेट से हम दो केस लेते हैं, लेट से रेड वाला केस हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है, दो केस को डिस्कस करते हैं। मैंने एक केस में बॉल को रखा टू के ऊपर और एक केस में बॉल को रखा वन के ऊपर। यहां पर बॉल को रखा, इसको गिरने दिया, और यहां पर बॉल को रखा, इसको नीचे गिरने दिया। तो किसमें बॉल जल्दी गिरेगी या किसमें बॉल धीरे धीरे गिरेगी? धीरे धीरे जाएगी टू वाली में और ज्यादा तेज गिरेगी वन वाली में। तो जिसमें बॉल ज्यादा जल्दी गिरेगी उस बॉडी, उस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी या ढलान क्या होगी? ज्यादा, राइट? तो अब आपको पता चल गया कि हाँ भैया, जिसमें बॉल जल्दी गिर रही है उसकी स्लोप ज्यादा है, ठीक है। तो अभी आप सभी ने लिख लिया। अब बेटा मैं अगर आपको बात बोलूं स्लोप की डेफिनेशन को, बोलूं मैथमेटिक्स के ऊपर आऊं, तो स्लोप को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? अच्छा, अब की एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो, यू गोइंग टू शिमला और एनी हिल स्टेशन। तो जब आप बेटा हिल स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर यू गो ऑन द हिल। जब आप हिल के ऊपर जाते हो, कभी कभी क्या हिल होता है कि हिल धीरे धीरे ऐसे ऐसे आराम से करके ऊपर चढ़ता है, पर कभी कभी सड़क थोड़ी सी ज्यादा ऐसे करके ऊपर आ जाती है, तो ज्यादा ऊपर करके आ जाती है, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं कि हाँ भी इसकी ढलान ज्यादा होगी या स्लोप क्या होगी? ज्यादा। और जितनी ज्यादा स्लोप होगी उस पर उतना चढ़ना क्या है? मुश्किल। उस पर उतना चढ़ना मुश्किल है, उस पर उतना ज्यादा आपका जोर लगेगा। अगर आप ज्यादा स्लोप वाली हिल के ऊपर चढ़ोगे तो उसके ऊपर आपका जोर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और जितनी ढलान स्टीप होगी, कम होगी, ठीक है, उसके ऊपर उतना ही चलना क्या होगा? आसान होगा। और चढ़ना क्या होगा? आसान होगा। तो अब सभी बच्चों को स्लोप की वैल्यू क्लियर होगी। स्लोप हमारी बहुत जगह पर यूज होते हैं, काफी ज्यादा इंजीनियर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे को एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करना है, कितना स्पेस है, कितनी मेरे को हाइट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को स्लोप डिसाइड करनी पड़ती है कि वो ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा या कम ऊपर रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्लोप को देखते हैं, राइट। सिमिलरली बेटा, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप का सिंपल फॉर्मूला क्या है? दैट इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने लर्न रखना है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द स्लोप, दैट इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, आप सभी बच्चों देखो बेटा, लेट से आपके पास एक एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस पॉजिटिव y एंड दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। लेट से मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं या एक ढलान बनाता हूं और मेरे को उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है। स्लोप में कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सबसे पहले लेट से बेटा ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, लेट से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मेरे को इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है। तो अब कभी भी बेटा मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना है, एक स्ट्रेट लाइन का सिंगल स्लोप होता है, तो मैं एक और नोड बना रहा हूं, ठीक है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन has single
स्लोप, उसकी एक ही वैल्यू होती है स्लोप की, ठीक है। और एक और बात याद रखना है कि देयर इज नो यूनिट्स ऑफ स्लोप, नो यूनिट्स, नहीं यूनिट्स हो सकते हैं स्लोप के, सॉरी डिपेंड करता है कि एक्स और वाई के अंदर क्या पड़ा है, ठीक है, आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो स्लोप अभी मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि वाई कोऑर्डिनेट के अंदर क्या है और एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग स्लोप के यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस है तो नो यूनिट्स है, बट अगर वाई एक्सिस में लेट्स से कुछ और है और एक्स एक्सिस में कुछ और है तो इसके यूनिट्स आ सकते हैं, राइट। तो अब बेटा कभी भी आपको स्लोप देखनी है, ठीक है, तो स्लोप देखने के लिए एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब आपको अगर दो पॉइंट्स चाहिए तो अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी आपको दो पॉइंट्स चाहिए। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया ये वाला स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, तो ये इसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने बोल दिया एक्स वन, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज वाई वन, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज एक्स वन कॉमा वाई वन, राइट। एंड सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट लिया, दैट इज मैं यहां से राइट डायरेक्शन में गया, ठीक है, मैंने इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज मैं वर्टिकली डाउनवर्ड गया, तो ये मेरे पास आ गया एक्स टू कोऑर्डिनेट। एंड सिमिलरली मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली इस पॉइंट के इधर गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज वाई टू, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज एक्स टू कॉमा वाई टू। तो अब आपको कोई भी दो पॉइंट्स ले लेने हैं, माइंड इट, चाहे वो आप ये वाले दो पॉइंट्स लो, चाहे आप ये वाले दो पॉइंट्स लो, या चाहे इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट में से कोई भी दो पॉइंट्स आपको ले लेने। तो अब बेटा आपके पास स्लोप किसके इक्वल आएगी, तो अभी मैं आपको बोला कि भैया जो आपके पास स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो अब बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका पहला पॉइंट कौन सा है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ठीक है। अब आपको बेटा एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप पॉइंट को ले रहे हो, ठीक है, आप हमेशा दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर जीरो कॉमा जीरो। अब बेटा आप यहां से राइट की डायरेक्शन में जाओगे तो एक्स का जो वाला पहला वाला पॉइंट आएगा दैट इज फर्स्ट पॉइंट, और उसके बाद जो सब पॉइंट आएगा दैट इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो आपको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, यहां से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। इस चीज को मैं दोबारा से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल है, तो अभी मैंने आपको बोला कि भैया दैट इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब अब देखो बेटा यहां पर ये क्या है, ये फाइनल है, ये इनिशियल पॉइंट है, या दिस इज एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू। तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, देखो अगर मैं इस पॉइंट पर था तो इस पॉइंट पर जो मेरे पास तो अब बेटा मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस y1 है, दिस वन इज y1, ये y1 है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है y1 है, और ये y2 है, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कितना है y2 है। तो अब बेटा मेरे पास y के अंदर कितना चेंज आया, दैट इज y2 माइनस y1, दिस इज चेंज इन y एक्सिस, दैट इज दिस लेंथ। अगर बेटा आप देखोगे तो इस टोटल y2 में से, सॉरी यहां तक है y2, इस टोटल y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी, दिस इज y2 माइनस y1। एंड सिमिलरली चेंज इन x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2, यहां से लेकर यहां तक x2 है और यहां से लेकर यहां तक x1 है। तो बेटा आपके पास ये वाला क्या है, चेंज इन x एक्सिस, तो दिस इज x2 माइनस x1। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है x2 है, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है x1, दिस इज x2 माइनस x1। So this is the formula of your slope, that is y2 minus y1 or x2 minus x1. तो इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is delta y by delta x. अब आप बोलोगे सर
ये डेल्टा का क्या मतलब होता है? अभी आपके लिए एक नई टर्म है, डेल्टा का क्या मतलब होता है? दैट इज चेंज, ठीक है? तो दैट इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो ये आपके लिए नया वर्ड है, ठीक है? तो अब ये चीज आ गई। तो अब बेटा आपके पास स्लोप का एक ये फॉर्मूला आ गया, और एक स्लोप का और फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज सर इट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है? तो अब बेटा अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर आते हो, ठीक है, तो अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर आते हो, ठीक है, तो मैं अब ये जो सा स्ट्रेट लाइन है यो इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, मैं कह देता हूं कि भैया ये एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो अब बेटा मेरे पास डेल्टा वाई किसके इक्वल है? डेल्टा वाई किसके इक्वल है? दैट इज वाई टू माइनस वाई वन के इक्वल है। और डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन के इक्वल है। अब बेटा यहां पर मेरा डेल्टा वाई क्या है? मेरे पास डेल्टा वाई ये चीज है, मैं कह सकता हूं दिस इज सर डेल्टा वाई, और ये चीज क्या है बेटा? मेरी डेल्टा एक्स है, ठीक है? तो अब बेटा अगर आप देखोगे ये कौन सा ट्राइंगल बना, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आई नो दैट दैट इज टेन थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल आ गया। और मेरे को एक चीज पता है, क्या मेरे को क्या चीज पता है? कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो अब बेटा आपके पास स्लोप का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज स्लोप इज नथिंग बट इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा, स्लोप इज नथिंग बट इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा। तो ये भी आपके पास एक नया फॉर्मूला, वन फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज दिस, या दूसरा फॉर्मूला क्या बोल सकता हूं, दैट इज स्लोप इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। So these are the very much important two formulas of slope, right? तो सभी बच्चे साथ में इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर सकते हैं, स्लोप के फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें बेटा अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन है और उसका मैं स्लोप निकालता हूं, ठीक है? मेरे पास लाइन है, दैट इज y इक्वल्स टू x, ठीक है? अगर ये y इक्वल्स टू x लाइन है, और अगर लेट्स से मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा पॉजिटिव x एक्सिस है और ये मेरे पास पॉजिटिव y एक्सिस है, ठीक है? तो अब अगर लेट से मेरे को इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करना, आई नो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और मेरा क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप, मेरे को स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। तो अब बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करूंगा। इस लाइन को ड्रॉ करना आपको आता है, आपको पता है कि एक्स और वाई के पॉइंट्स ले लो। अब आपको पता है अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब अगर बेटा आपके पास डेट से यहाँ पर ये पॉइंट्स है x के और y के, और अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट विल बी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो अगर बेटा मैं इसका ये वाला, अच्छा ये इधर को भी जाएगा, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट इज 0, 0, ठीक है? अच्छा एक और कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेट्स से इस पॉइंट को ले लेता हूं, दैट इज दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 1, ठीक है? सिमिलरली यहां पर एक ये पॉइंट आ गया, दिस इज 2, 2, ठीक है? सिमिलरली एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज y एक्सिस में भी 3 है, यहां पर भी कट करके आ रहा है, दिस इज 3, 3, एंड सिमिलरली यहां पर भी एक पॉइंट होगा, ठीक है? और लेट से उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, लेट से 4, 5, 6, ये 6 रहा,
मैं इसके पैरेलल यहाँ पर बना लेता हूँ, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 6.6। ठीक है, अब बेटा अब अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोला कि आपको कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो अभी भी आपको अगर दो पॉइंट्स चाहिए तो मैंने ये बोला था कि जो आपके पास एक्स एक्सिस के सबसे आपको दो पॉइंट्स लेने हैं, तो लेट से मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, लेट से एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ x1, y1। ठीक है, और इस पॉइंट को डिनोट कर देता हूँ x2, y2। तो अब बेटा अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज आई नो दैट इज y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ पर बेटा y2 की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज 6, दैट इज 6 - 1 - 6 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
माइनस टू डिवाइडेड बाय 6 माइनस टू, तो दिस इज इक्वल्स टू स्लोप। तो यहां पर अगर बेटा मैं सॉल्व करूंगा 6 माइनस टू कितना होता है 4 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लाइन की स्लोप किसके इक्वल आई, स्लोप इज इक्वल्स टू 1। तो अब बेटा आप एक बात और देख सकते हो कि ये जो है आपने लाइन बनाई है, चाहे मैं इसमें ये वाले पॉइंट्स दो ले लूं, ठीक है, चाहे मैं इसको ले लूं, अब मैं चाहे इसको x2 ना लूं, x2 y2 ना हो, अब मैं इसको x2 कॉमा y2 ले लूं। अब अगर आप इसको x2 कॉमा y2 लोगे, तो अगर आप यहां से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास y2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 2, और यहां पर भी ये भी कितना आएगा 3 माइनस 2। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो अगेन स्लोप क्या आएगी 1 ही आएगी। तो इससे ये चीज प्रूफ होती है कि यानी कि आप इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसका स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, यानी कि यूनिक वैल्यू आएगी। तो ये जो मैंने आपको पीछे नोट अभी लिखवाया है कि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, सेम होती है, बट एक कर्व की स्लोप चेंज होती रहती है हर पॉइंट पर। एक कर्व की स्लोप हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी हम एक स्लोप निकालना सीख रहे हैं किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की, राइट। तो अब बेटा आपके पास ये, आपके पास जो सी ये लाइन बनी, इसकी स्लोप किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल आ गई। तो अब बेटा मैंने आपको एक और बात भी बोली थी, दैट इज सर स्लोप इज आल्सो इक्वल्स टू, स्लोप इज आल्सो इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो अब बेटा यहां पर स्लोप की वैल्यू 1 आई है, और यानी कि मैं यहां पर लिख दूं दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि स्लोप की वैल्यू 1 है, और अगर स्लोप की वैल्यू 1 है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और अगर tan थीटा की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है, आई नो दैट सर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि यानी कि ये जो सी स्ट्रेट लाइन है, ये जो सी स्ट्रेट लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, ये कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, दैट इज 45 डिग्रीज। तो किसी भी इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा एंगल, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। सिमिलरली यहां पर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, या ये बना है, ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। बात समझ रहे हो बेटा? तो अब यानी कि मेरे पास ये लाइन, आपको वैसे भी पता है वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन एग्जैक्टली ऐसे बीच में से कट करके जाएगी, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो इसका ये आधा एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये चीज हमारी आ रही है इस पर्टिकुलर जगह से। सभी को क्लियर है बेटा? डन। तो हमने स्लोप की वैल्यू को कैसे निकाला, अब आप सभी बच्चों को स्लोप का जैसा फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक tan थीटा वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, राइट। तो अब नेक्स्ट बेटा आप सभी बच्चे एक नोट लिखो, मेक अ नोट, और उस नोट में लिखिए स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब बेटा स्लोप पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, ये हमारे को कैसे देखना है, ठीक है।
मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अब आपको एक बात, एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है स्लोप ऑफ इंक्रीजिंग ग्राफ इज पॉजिटिव, और सेकेंड लिखना है बेटा आपको स्लोप ऑफ डिक्रीजिंग ग्राफ इज नेगेटिव। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है? ठीक है, अब बेटा सबसे पहले ये आप डिटेल में मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, आपके पास चैप्टर आएगा डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। बट जो बच्चे मेडिकल के अंदर हैं वो बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, आप सभी बच्चे प्लस एक्स प्लस वाई और सिमिलरली इसके पीछे की तरफ दैट इज नेगेटिव एक्स और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई, ठीक है। अब कोई भी ग्राफ, अभी मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा ये हम कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल बेटा हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, कौन से कोऑर्डिनेट में? एक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है। वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और अगर बेटा मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता हूं तो मेरे को पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि अगर यहां पर जीरो है, यहां पर वन है, यहां पर टू है, यहां पर थ्री है, यहां पर फोर है, यहां पर फाइव है, यहां पर सिक्स है। तो अब मैं एक इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करता हूं, लेट से वाई इज इक्वल टू टू एक्स। अगर बेटा मैं वाई इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, यानी कि इफ आई इफ वी इंक्रीज एक्स, अगर मैं एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? आपको अगर नहीं सर देखो मैं एक्स की वैल्यू को वन पुट किया तो वाई की वैल्यू कितनी आई, टू। मैंने एक्स की वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया, टू कर दिया, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, फोर। एक्स की वैल्यू को थ्री कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। x की वैल्यू को 4 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 8। x की वैल्यू को 5 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। तो अब आप देख रहे हो कि मैं जितनी ज्यादा बड़ी x की वैल्यू डालूंगा y की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। तो इसलिए इफ वी इंक्रीज x एंड y आल्सो इंक्रीजेस, y also increases, then the graph is increasing, then the graph is increasing. For example, अगर आप यहां पर बनाओगे तो 1, 2, तो 1 पर पॉइंट 2 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 2 पर वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 4 आएगी, तो लाइक दिस इसका ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 4 आएगी, एंड लाइक दिस। तो अब तुम देख सकते हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो दिस इस ग्राफ का दिस इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ, राइट। एंड सिमिलरली अगर आपके पास x बढ़ने से, x की वैल्यू को इंक्रीज करने से y की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सर इट इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। तो डिक्रीजिंग ग्राफ का एक इक्वेशन मैं लिख देता हूं, दैट इज लेट्स से सर y इज इक्वल्स टू लेट्स से माइनस 2x प्लस 10, लेट्स ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 10। तो अब बेटा यहां पर अगर मैं x का पॉइंट लेता हूं, लेट्स से मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं 1,
तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, देखो वन पुट किया तो दिस इज माइनस टू, टेन माइनस टू इज एट, वाई इज इक्वल टू एट। एक्स की वैल्यू को टू पुट किया तो टू टू जा फोर, टेन माइनस फोर कितना आ जाएगा सिक्स, दैट इज वाई इज इक्वल टू सिक्स। एक्स की वैल्यू को कितना पुट किया थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, दैट इज वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू को फोर पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4 टू जा 8, दैट इज 2। सिमिलरली x की वैल्यू को 5 पुट किया तो 5 टू जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। x की वैल्यू को 6 पुट किया तो 6 टू जा 12, तो माइनस 12 प्लस 10 कितना आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब बेटा अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, यहां पर एक x एक्सिस लेता हूं और y एक्सिस को लेता हूं, this is positive x and this is positive y। तो अब बेटा मेरे को एक बात पता है कि अगर मैंने x की वैल्यू को 1 पुट किया था, ये चलो x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 10। तो आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10 है, तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब आप जैसे जैसे x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब आप सभी बच्चे यहां पर समझ सकते हैं कि भैया यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं, 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू कितनी है 0। तो आप सभी बच्चे समझ सकते हैं कि जो इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि देखो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मेरे को दो पॉइंट्स चाहिए, तो इसकी लाइन की स्ट्रेट लाइन कैसे बन जाएगी, इट्स स्ट्रेट लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी, तो अब आप सभी बच्चे समझ सकते हो यानी कि इफ वी इंक्रीज x and y decrease करता है तो हमारे पास then graph is decreasing, then the graph is decreasing, और अगर graph decreasing होगा the graph is decreasing and if the graph is decreasing then slope is नेगेटिव, यही पॉइंट मैंने अभी यहां पर लगाया, और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा देन द स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो अब बेटा सभी बच्चे एक और बात को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि सर देखो यहां पर देखो ये ऊपर को जा रहा है सर, तो हमारे को दिख ही रहा है सर, सर ये देखो ऊपर को जा रहा है तो ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और सर ये देखो ये ग्राफ ऐसे नीचे को आ रहा है तो सर ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। चलो ठीक है, ये आपको दिख गया, ठीक है, कभी कभी आप इसको ऐसे भी देखोगे, देखो एवरीबॉडी लुक ओवर हियर, आप इसको ऐसे भी देखोगे सर ये देखो यहां पर अगर मैं यहां से इधर पे जा रहा हूं सर ये देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है, बच्चों के मन में डाउट आएगा सर ये देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है। तो अब बेटा आप एक बात देखो कि अगर आप ऐसे करके आपको ये ऊपर लगेगा और ऐसे आते हुए ये आपको नीचे लगेगा, और सिमिलरली अगर आप ऐसे जा रहे हो ये आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और अगर आप ऐसे आ रहे हो तो ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको पीछे को आता दिखाई दे रहा है, नीचे को आता दिखाई दे रहा है। तो अब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखोगे, तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बात रखनी है याद, दैट इज इफ वी इंक्रीज एक्स, तो इस बात का ध्यान रखना है इफ वी इंक्रीज एक्स, हमने एक्स को तो इंक्रीज ही करना है, एक्स इंक्रीज का क्या मतलब हुआ कि मेरे को लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, हमेशा ऐसे जाना है, पीछे को ऐसे आके नहीं देखना, बस मेरे ना, तो आई ऑलवेज हैव टू गो फ्रॉम ओरिजिन टू राइट, तो अगर मैं ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहा हूं तो वाई की वैल्यू को चेक करना है। अब आप देखो आपने वन पुट किया तो वैल्यू कम होगी, और ज्यादा पुट किया तो और कम होगी, और ज्यादा पुट किया तो और कम होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ानी है आपको, तो यू हैव टू ऑलवेज हैव टू मूव, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यू हैव टू मूव from left to right। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो
यानी कि आपने x को इंक्रीज करना है, अगर आप x को इंक्रीज करने से y की वैल्यू इंक्रीज होती है देन द स्लोप इज पॉजिटिव, दैट इज ग्राफ इज इंक्रीजिंग, और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो और y की वैल्यू कम हो रही है, y की वैल्यू कम हो रही है तो ग्राफ इज डिक्रीजिंग, ग्राफ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहां तक सभी को क्लियर? डन। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चे देखेंगे और वो क्या है, मैंने अभी आपको बोला था कि सर स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा होगी, ठीक है। तो अब सभी बच्चे देख सकते हैं कि अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, अगर ये ग्राफ बेटा इंक्रीजिंग होगा तो अब बेटा जो भी कभी भी आपको एंगल को मेजर करना है तो आप एक बात रखोगे, ये भी आप एक नोट बनाओगे, एंगल इज ऑलवेज, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया कभी भी आपको एंगल को मेजर करना है, एनी टाइम यू हैव टू मेजर द एंगल, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब देखो बेटा मैं कभी भी इस लाइन का एंगल देखूंगा, अब आप बोलोगे सर ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल देख लो, या ये वाला एंगल देख लो, या ये वाला एंगल देख लो, या ऐसे करके एंगल देख लो, नहीं, मेरे को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर जो सा एंगल देखना है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल देखना है तो किसके साथ देखना है, मेरे को किसके साथ देखना है, यहां से इस लाइन के पॉजिटिव एक्स के साथ, ये पॉजिटिव एक्स है राइट, तो पॉजिटिव एक्स के साथ देखना है। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो आपकी पहली वाली बात तो मान ली, तो ये दो चीजें हैं, एक चीज क्या है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरी क्या चीज है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो ये लाइन है तो ये x एक्सिस है, अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव x है ये पॉजिटिव x है तो दिस इज द पॉजिटिव x, यानी कि आपको इस लाइन के साथ एंगल देखना है। दूसरी बात, अब अगर आपको इस लाइन के साथ एंगल देखना है ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर आप यहां से ये एंगल भी देख सकते हो और आप यहां से ये वाला एंगल भी देख सकते हो ठीक है, तो सर आपको कौन सा एंगल देखना है, तो अभी मैंने आपको बोला देखो अगर आप यहां से इस तरफ जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, नहीं ये गलत है, आपको कैसे जाना है, यू हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये आपके पास एंगल आएगा दैट इज दिस इज एंगल थीटा, तो आपको इसका टैन थीटा करना है, दिस इज योर स्लोप। तो अब आपको पता है अगर आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, इफ योर स्लोप इज पॉजिटिव देन थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट है यानी कि इट इज लेस देन 90 डिग्री, और क्योंकि वो लेस देन 90 डिग्री है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टैन इज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट टैन थीटा इज पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव होता है, ये थोड़ा हायर लेवल कंसेप्ट है बेटा ठीक है, तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा यू कैन आस्क मी डाउट ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, यहां पर अगर ये ग्राफ इंक्रीजिंग है ठीक है, इट इज गोइंग लाइक दिस, देखो ये ऐसे करके जा रहा है, ये लाइन है, ये ऐसे करके ये इंक्रीजिंग है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया ठीक है, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा ठीक है, जैसे ये ग्राफ 90 से इधर को आएगा ऐसे करके आएगा तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, जब ये एंगल एक्यूट होगा तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, थीटा इज एक्यूट, फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा इज पॉजिटिव, एंड सिमिलरली बेटा अगर बेटा मैं यहां पर देखता हूं तो अब ये लाइन है, इस लाइन का एंगल मेरे को यहां से इस तरफ वाले साथ देखना है या ऐसे देखना है, अब आप बोलोगे सर ये वाला तो डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मेरे को एंगल किसके साथ देखना है, पॉजिटिव के साथ देखना है, अब आप बोलोगे सर यहां से इधर को देखना है या यहां से इधर को देखना है, नहीं मैं कहूंगा भैया यहां से इधर को देखना है, तो दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर एंगल
थीटा, पर आप यहां पर देख रहे हो कि अगर स्लोप नेगेटिव है यानी कि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो थीटा इज, अगर ग्राफ नेगेटिव है तो थीटा इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, दैट इज यहां पर एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मेरे को पता है ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा क्या है, नेगेटिव है। और मैंने आपको वैसे भी बोला है कि भैया आपके पास अगर आपके पास डिक्रीजिंग ग्राफ है तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा एक टी रेशियोज के अंदर मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये देखो ये ग्राफ मैंने पीछे करवाया था जब मैंने आपको टी रेशियोज करवाया था, दैट इज इन लेक्चर नंबर 1 ऑफ बेसिक मैथ्स। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, इसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड के अंदर कौन-कौन पॉजिटिव है, sin theta एंड cosecant theta। थर्ड के अंदर कौन-कौन पॉजिटिव है, tan theta एंड cot theta। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन-कौन पॉजिटिव है, दैट इज secant theta एंड cos theta। तो इसको कैसे याद रखना है, दैट इज आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, c से मतलब cos, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और आपको यहां पर दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये बेटा एक थोड़ी सी बेसिक थ्योरी है टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप पॉजिटिव कब होगी और स्लोप नेगेटिव कब होगी। तो सभी बच्चे इस स्लोप को बहुत ध्यान से देखो, एक दो क्वेश्चन में आपको स्लोप के और करवाऊंगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज को आप सभी बच्चे नोट डाउन कीजिए, ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, अभी बेटा हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन दो क्वेश्चन के अंदर वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप। हम स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे दो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। तो अब बेटा आप सभी बच्चे एक चीज देख सकते हो, अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन की ग्राफ को बनाना है, अगर आपने इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बनाना है तो आपको दो पॉइंट्स चाहिए। तो दो पॉइंट्स लेने के लिए मैंने x और y को लिख लिया, एक बार x को 0 ले लिया और एक बार y को 0 लिया। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और जब मैं y को 0 पुट करूंगा, इसको 0 पुट किया तो ये -8 इधर आ जाएगा, तो वो -2 आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट आ गया दैट इज 0.4 और एक पॉइंट आ गया दैट इज -2.0। तो ये दो पॉइंट्स आ गए। तो अब बेटा मैंने माइनस, देखो ये पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो इस पॉइंट को मार्क कर दे, दैट इज -2.0, x में -2 और y में 0, तो एक ये पॉइंट आ गया। और सिमिलरली दूसरा पॉइंट 0.4, दैट इज x इज 0 एंड y इज 4, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये मैंने एक इन दो पॉइंट से पास होने वाली इस ग्रीन लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। अब इसमें x1 y1 कौन सा है, मैंने आपको पहले बोला था आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो राइट के तो लेफ्ट पर जो पॉइंट है दैट विल बी x1 y1 और जो राइट पर पॉइंट आएगा दैट इज x2 y2, तो यहां से राइट की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पर बेटा आपके पास x2 y2 की वैल्यू 0.4 आ गई और x1 y1 की वैल्यू -2.0 आ गई। अब बेटा स्लोप का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डेल्टा y / डेल्टा x, दैट इज चेंज इन y / चेंज इन x। तो यहां पर आपने y2 की वैल्यू को 4 पुट कर दिया और y1 की वैल्यू को 0 माइनस, अच्छा अब ये माइनस फॉर्मूले का है और x1 की वैल्यू क्या है, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट सर x1 की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये मैंने -2 लगाया। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इट इज 4/2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो अब यहां पर इस पर्टिकुलर इस ग्रीन लाइन की स्लोप कितनी आई, दैट इज पॉजिटिव 2। तो पॉजिटिव 2 मतलब अब आप वैसे भी देख सकते हो कि यहां पर ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ देखो ऐसे करके अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ। और यहां पर अगर आप इसको एंगल देखना है तो यहां पर एंगल क्या आ रहा है, ये देखो दिस इज योर एंगल थीटा, tan थीटा।
तो ये आप समझ रहे हो थीटा इज एक्यूट, क्योंकि थीटा एक्यूट है इसीलिए स्लोप क्या है पॉजिटिव है और स्लोप हमारी पॉजिटिव ही आ रही है। तो एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो अब बेटा यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हम फिर से दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक बारी x को 0 ले लेंगे और एक बारी y को 0 ले लेंगे। जब हमने x को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई, और जब हमने y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ किया इस ग्राफ के ऊपर, दिस इज पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो 3,0 ये रहा बेटा और 0,2 ये पॉइंट रहा। तो इसको ज्वाइन होने वाली बिंदु से हमने लाइन लगाई, ये ग्रीन कलर की लाइन हमारे पास लाइन आ गई। अब मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है। अब देखने से मेरे को पता चल रहा है, एवरीवन देखने से पता चल रहा है, देखो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, तो इसकी स्लोप क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हमने पहले ही बता दी, देख के ही बता दिया कि इसकी स्लोप नेगेटिव आ रही है। अब यहां पर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको एंगल देखना है तो यहां पर एंगल कौन सा होगा इसका, इसका एंगल कौन सा होगा, मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव एक्स है, तो इसका इस लाइन का एंगल हुआ ये थीटा। अब आप देख रहे हो थीटा क्या आ रहा है आपके पास, थीटा इज ऑब्ट्यूस, और अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यानी कि टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि टैन थीटा नेगेटिव होता है, एंड थीटा भी किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू स्लोप के इक्वल ही होता है, राइट? तो अब ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग, और इसका स्लोप क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं क्या इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेटा सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला क्या है, दैट इज y2 - y1 / x2 - x1। तो यहां पर y2 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो अब ये x1 / y1 है क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ आना है, तो पहले x1 / y1 फिर x2 / y2। तो अब बेटा यहां पर आपके पास y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। तो ये आपने 2 पुट कर दिया, माइनस फॉर्मूले का आया। फिर x2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, और x1 की वैल्यू कितनी है, 0 -0, दैट इज -2/3। तो इसकी इस लाइन की या इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कितनी आई है, दैट इज ऑफ -2/3। तो एवरीबॉडी शुड नोट इट डाउन। सभी बच्चे इस पर्टिकुलर चीज को नोट डाउन कर लें। तो ये तो मेथड हो गया बेटा, हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करके स्लोप फाइंड आउट की है, ठीक है। अभी मैं आपको एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बता रहा हूं पर्टिकुलर चीज, ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीज बता रहा हूं। तो बेटा एक आपके पास जब बच्चे मैथमेटिक्स करते हैं तो आपके पास एक लाइन होती है, दैट इज वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यहां पर आपके पास एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। तो अब आपको दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या कहता है कि आप क्या करो, किसी कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसमें उसको इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ले आओ, दैट इज y = mx + c की फॉर्म के अंदर ले आओ, यानी कि y हो लेफ्ट की तरफ और बाकी सारी टर्म्स हो राइट की तरफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, और y का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब बेटा यहां पर ये जो सा m आएगा x के साथ वाली टर्म होगी, दिस विल बी योर स्लोप, और ये जो बेटा c टर्म होगी, दिस विल बी द y इंटरसेप्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, स्लोप मैंने आपको बोल दिया, स्लोप क्या चीज होती है, उसकी ढलान, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब वो ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर वो लाइन y एक्सिस को कहां पर कट करके जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो अब हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो अब बेटा सभी बच्चे देखिए, तो यहां पर
विदाउट मेकिंग ग्राफ में कैसे सॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या इस इक्वेशन को, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 8। तो अगर मैं या इसका कॉफिशियंट 1 बनाना है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इट विल बी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 टूजा x प्लस 4। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो अब आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इस इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो x के साथ वाली जो सी टर्म है, तो x के साथ वाली टर्म क्या है यहां पर, इसकी ये स्लोप, एंड सिमिलरली प्लस 4 आ रहा है, c की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 4। तो अब बेटा यहां पर ये क्या है, y इंटरसेप्ट। तो आप देख रहे हो कि यहां पर इस ग्राफ की इक्वेशन में स्लोप निकाली चुका हूं, ये 2 आ रही है ऐसे करके, है ना। तो ये देखो स्लोप की वैल्यू 2 आ रही है, और ये ग्राफ, ये जो सब ग्रीन वाली लाइन है, ये इस पर्टिकुलर ग्राफ को y एक्सिस पर कहां पर कट करके जा रही है, ग्राफ को कट करके जा रही है 4 पॉइंट पर। देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो आप सभी बच्चे यहां पर देख सकते हो, डन राइट। एंड सिमिलरली यहां पर अगर हम देखें बेटा, तो ये मेरे पास इक्वेशन है, अब मैं इसी इक्वेशन को भी कन्वर्ट करूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, कैसे, दैट इज सर ये देखो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, क्योंकि मेरे को y को एक तरफ रखना है, तब मैं बाकी सारी टर्म्स को इस तरफ ले आया हूं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो 3y किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 2x प्लस 6। ये आप सभी को दिख रहा है राइट, मैंने कुछ भी नहीं किया, 6 को इधर लिख दिया, 2 को आगे ले आया, यहां पर लिखे ऐसे करके। अब मेरे को y का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, y के साथ वाली टर्म कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 3 से। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो y का कोएफिशिएंट यहां पर 1 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2/3x प्लस 6/3। और बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, y = माइनस ऑफ 2/3x प्लस 3 2s, तो ये 2 आ गया। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन किस पर्टिकुलर चीज के अंदर कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गई। और यहां पर आपको दिख रहा है जब y का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर, एक बात याद रखनी है, y को लेफ्ट साइड पर रखना है और बाकी सारे टर्म को राइट साइड पर लेकर आना है। और y का जब कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो आपको क्या देगा, स्लोप देगा। तो यहां पर इसकी ये पर्टिकुलर चीज क्या है, स्लोप ऑफ द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, और ये प्लस 2 क्या है, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो आप यहां पर देख रहे हो विदाउट सॉल्विंग दिस थिंग, ठीक है, मैंने इक्वेशन को ही रीअरेंज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ले आया हूं। तो x के साथ वाली -2/3 इसकी स्लोप आ रही है, जो यहां पर आ रही थी देखो नेगेटिव आ रही है, सेम मैग्नीट्यूड आ रहा है, सेम साइन आ रहा है। और ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये लाइन, ये जो सी लाइन है, ये y एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट के जा रही है, 2 पॉइंट पर। तो आप देख रहे हो 1 2 पॉइंट पर इसको कट करके जा रही है। तो आई थिंक सो ये सभी को क्लियर हो गया, y equals to mxc, मैं आपके इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, और इस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके मैं उसकी स्लोप को फाइंड आउट कर लूंगा। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब सभी बच्चे इस पर्टिकुलर दो क्वेश्चंस को सॉल्व खुद अपनी नोटबुक के अंदर पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको सभी बच्चों को एक कंसेप्ट और लिखवाऊंगा, ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज एक लाइन आपके पास ऐसे करके है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप किसके इक्वल होती है, तो आपको पता है ये कितना, इसका थीटा की वैल्यू कितनी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन की, देखो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, और tan 0 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा,
इट इज इक्वल टू जीरो। तो आपको याद रखनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप कितनी होती है, जीरो होती है। सिमिलरली एक वर्टिकल लाइन की, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन का एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज 90 डिग्री। तो आई नो दैट वर्टिकल लाइन का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां पर स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ 90 डिग्री, और टैन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि एक वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, जीरो। ठीक है, इस बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बेटा सभी बच्चे हमने स्लोप को देखा, हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या होता है, ठीक है, ये स्लोप आपको कहां पर हेल्प करेगी। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर एक हमारा पोर्शन आता है ग्राफ, सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस बाय ग्राफ्स। ठीक है, और वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली जो आज हमने स्लोप देखा, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बट वो चीज मैंने आपको कहां पर करवाई है, इन द चैप्टर काइनेमेटिक्स। ठीक है, और जब हम ये ग्राफ्स करेंगे, एक्सटी ग्राफ करेंगे, वीटी ग्राफ करेंगे और एटी ग्राफ करेंगे, तो वहां पर आपके पास स्लोप यूज होगी। तो वहां पर मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि भैया स्लोप निकालनी है हमने, तो स्लोप कैसे निकालनी है वो कुछ ऐसे करके निकाले, और कुछ क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो स्लोप को निकाल के। ठीक है, डन, क्लियर। आज के लेक्चर में बेटा हम स्लोप ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल सी हाउ टू ड्रॉ एक्सट्री ग्राफ एंड वेलोसिटी ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो लेंगे और उनके ग्राफ्स को बनाएंगे, एंड वंस वी विल मेक विद द एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, उसके बाद हम जाएंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर। राइट, क्लियर। तो ग्राफ्स वाले पोर्शन में आपको साथ साथ में करवाता जाऊंगा, जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को डाउट आ रहा है, दे कैन सेंड मी डाउट्स ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस बेटा। ठीक है, थैंक यू। और सभी बच्चे अभी घर से क्या करेंगे, दे विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ स्लोप। ठीक है, या मैथमेटिक्स की बुक ले लो और वहां से आप सॉल्व करोगे कुछ स्लोप के इक्वेशंस को। हाँ, तो बेटा ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, लिखे हैं। ठीक है, या सभी बच्चों का होमवर्क है। ठीक है, या आपने नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इन पर्टिकुलर यहां पर इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड slope, you have to find slope and y-intercept. तो अब आप स्लोप को दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, या आप इसका ग्राफ बना के दो पॉइंट्स ले लो और पॉइंट्स में से y2 - y1 / x2 - x1 वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला, या इस फॉर्मूले से स्लोप को फाइंड आउट कर लो, या आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लो, दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो, तो ये वाली टर्म आपको स्लोप दे देगी और ये वाली टर्म आपको y इंटरसेप्ट दे देगी, और ये टर्म आपको स्लोप दे देगी। और एक और स्लोप का फॉर्मूला किसके इक्वल है, दैट इज स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला आज का हमारा क्रक्स है, राइट। तो ये आप सभी का होमवर्क है, राइट, इस सारी चीज को नोट डाउन कर लो। थैंक यू बेटा, वेलकम।